कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा से सभी परेशानियां, कुंडली के दोष, शनि के अशुभ असर से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बजरंगबली के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। देश भर में हनुमान जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं, जहां जाने पर भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है कोटद्वार का सिद्ध बली हनुमान मंदिर। इस मंदिर को बहुत चमत्कारी माना जाता है। यहां प्रचलित मान्यता के अनुसार जिन भक्तों की मनोकामनाएं बाबा हनुमान पूरी करते हैं, वे भक्त यहां भंडारा करवाते हैं। यहां से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। इनके भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहां आने वाले विशेष भंडारों की बुकिंग 2025 तक के लिए पूरी हो गई है। चलिए आपको बताते हैं सिद्धबली हनुमान मंदिर की कुछ खास बातें। उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र में कोटद्वार स्थित है, जिसे पौड़ी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ की तराई में खो नदी के किनारे पर बसा है। कोटद्वार के बाद पहाड़ी इलाका है, यह गढ़वाल जिले में आता है। कोटद्वार से करीब 3 किलोमीटर दूर ही राजमार्ग है। खो नदी के किनारे पर करीब 40 मीटर लंबे ऊंचे टीले पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले एक बाबा इस टीले पर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। हनुमान जी ने उन्हें दिव्य सिद्धि प्रदान की, इसी कारण बाबा को सिद्ध बली बाबा कहा जाने लगा। बाबा ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना यहां की थी। यहां प्रचलित मान्यता के अनुसार ब्रिटिश शासन काल में एक मुस्लिम अफसर इस क्षेत्र में गुजर रहे थे, तब वे सिद्ध बली मंदिर में कहीं रुके थे। उस अफसर को सपना आया था सिद्ध बली बाबा की समाधि के पास ही मंदिर बनवाया जाए। ये बात अफसर ने क्षेत्र के लोगों को बताई तो लोगों ने यहां मंदिर बनवा दिया। पहले ये मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, धीरे धीरे श्रद्धालुओं के सहयोग से ये मंदिर भव्य होता गया है। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रसाद में गुड़, बताशे और नारियल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों के लिए भंडारा होता है। खबरों के मुताबिक यहाँ इतने भक्तों की मान्यताएं पूरी होती हैं। चलिए आपको यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बताते हैं। यदि आप दिल्ली से कोटद्वार जाते हैं तो करीब 225 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी होगी। यहां पहुंचने के लिए आसानी से बस, ट्रेन और कार की सहायता से आप बिना पहाड़ पर चढ़े कोटद्वार पहुंच सकते हैं और बाबा सिद्धबली का दीदार कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।